आज तारीख हो चुकी है 26 दिसंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आई। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी आठों बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती होती है जियो सिनेमा की तरफ से। दरअसल जियो सिनेमा ने यानी यहाँ पर अंबानी की कंपनी रिलायंस ने यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स को अब खरीदने का यहाँ पर फैसला ले लिया, अहम कदम ले लिया। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स जो कि करेंटली घाटे में चल रहा है, अपने 51% राइट, अपने 51% शेयर्स करेंटली वो सेल कर रहा है, तो 51% शेयर्स करेंटली रिलायंस यानी जियो सिनेमा यहाँ पर खरीद रहा है। इसके साथ ही अब आईपीएल के जियो सिनेमा के पास जो डिजिटल राइट्स थे अब यहाँ पर टीवी के राइट्स भी उन्हीं के पास आ जाएंगे। दरअसल अब यहाँ पर जियो सिनेमा स्टार स्पोर्ट्स को खरीद रहा है, तो उन्हीं का ये चैनल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर वर्ल्ड कप, इसके साथ ही यहाँ पर आईपीएल और भारतीय क्रिकेट, अब सब कुछ जियो सिनेमा के हाथ में रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या जियो सिनेमा का ये सही फैसला है या फिर नहीं, या फिर आप स्टार स्पोर्ट्स पर ही आखिर आईपीएल देखना चाहोगे, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहाँ पर सुरेश रैना को मेंटोर बनाने का फैसला लिया, जहाँ पर सुरेश रैना भी यूपी से आते हैं और यहाँ पर यूपी की ये टीम है, तो इस वजह से लखनऊ के मेंटोर सुरेश रैना रहेंगे, जहाँ पर आईपीएल में पहली बार चेन्नई से दूरी हमें दिखेंगे। हालांकि यहाँ पर रैना और लखनऊ ने दोनों ने अभी तक ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन कुछ सोर्सेज ये ऑफिशियल यहाँ पर पहले ही कर चुके, कुछ सोर्सेज ये बता चुके। दरअसल जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग न्यूज़ हमने 15 दिन पहले आपको दे दी थी, उसी प्रकार से ये न्यूज़ भी हम आपको 15 दिन पहले दे रहे हैं। लगभग 10-12 दिन बाद हमें ये अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी कि यहाँ पर रैना लखनऊ के मेंटोर बन चुके। तो कुल मिलाकर रैना के आईपीएल में वापसी हो चुकी है और लखनऊ में ये वापसी हुई है, लखनऊ के मेंटोर के तौर पर ये हमें नजर आएंगे। और जब भी यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले जानने को मिलेगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग रैना का और लखनऊ का सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी के नए हेड कोच एंडी फ्लावर ने यहाँ पर यश दयाल को 5 करोड़ में खरीदे जाने के बाद यश दयाल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि यश दयाल को पिछले 2 साल से ये ट्रैक कर रहे थे और यश दयाल को किसी भी कीमत पर ही आरसीबी की टीम में देखना चाहते थे, जहाँ पर इस साल ऑक्शन में काफी कम इंडियन गेंदबाज आए थे और इनमें से इनका प्राइमरी टारगेट यहाँ पर यश दयाल थे। उन्होंने बताया कि न्यू बॉलर के रूप में यश दयाल आज की तारीख में इस टीम के सबसे बेस्ट बॉलर, और यश दयाल को फेब डू प्लेसिस बेटर वे में यूज करेंगे। इन्होंने यहाँ पर अल्जारी जोसेफ को लेकर भी ये कहा कि फेब डू प्लेसिस की सीपीएल टीम में अल्जारी जोसेफ उनके अंडर खेलते वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते, इस वजह से डुप्लेसिस ने कहा था कि अल्जारी जोसेफ को ये टीम परचेस करे। इस वजह से अल्जारी जोसेफ के लिए 11-12 करोड़ तक ये टीम गई थी। तो कुल मिलाकर कप्तान डुप्लेसिस के अकॉर्डिंग इस टीम ने स्क्वाड बिल्ड कर लिया। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि सीपीएल की तरह यहां पर भी डुप्लेसिस आखिर आरसीबी को सक्सेसफुल बना पाएंगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी के टॉप ऑर्डर को लेकर। दरअसल जियो सिनेमा पर आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर ने इस टीम का टॉप ऑर्डर बता दिया, बता दिया 1 अप्रैल 2024 के एडिशन में आखिर किस प्रकार से इस टीम का टॉप ऑर्डर रहेगा, किस प्रकार से इस टीम की बल्लेबाजी लाइनअप रहेगी। तो उनके अकॉर्डिंग विराट कोहली डुप्लेसिस ओपन करेंगे, डुप्लेसिस एक बार फिर से ओपनर के तौर पर नजर आएंगे, विराट कोहली भी ओपनर के तौर पर नजर आएंगे और नंबर 3 पर रजत पाटीदार, नंबर 4 पर मैक्सवेल, नंबर 5 पर कैमरॉन ग्रीन और नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से इस टीम का टॉप ऑर्डर रहेगा, टॉप 6 प्लेयर्स रहेंगे और नंबर 7 पर एक इंडियन अनकैप्ड प्लेयर को खिलाना पड़ता है, तो एक इंडियन अनकैप्ड प्लेयर हमें देखने को मिलेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है या फिर नहीं। बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वही चेन्नई की तरफ से। दरअसल चेन्नई की तरफ से कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस साल ये टीम 2 जर्सीज का आईपीएल में प्रयोग कर सकती है। जो होम मैचेस होंगे वहां पर येलो जर्सी का प्रयोग करेगी, जबकि अवे मैचेस में शायद ग्रीन प्लस येलो का एक कॉम्बिनेशन बनाकर ये टीम यूज करे। कुछ सोर्सेज तो ये तक बता रही है कि अवे मुकाबले में एक ब्लैक कलर की यहाँ पर बेहतरीन जर्सी का ये टीम प्रयोग कर सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, मैंने आईपीएल में देखा काफी सारी टीमें 2 जर्सीज का प्रयोग करती है, इवन यहाँ पर कुछ टीमें तो एक एडिशन में 3 जर्सीज का प्रयोग कर लेती है। तो इस साल चेन्नई की टीम भी 2 कलर की जर्सी में हमें आईपीएल में नजर आएगी, 2 रंगों की जर्सी में ये टीम नजर आएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप चेन्नई को क्या 2 कलर की जर्सी में होम और अवे जर्सीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज को लेकर। दरअसल भारत साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज होगी उस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से हमें स्टार स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। और उस मुकाबले की जो भी लाइव अपडेट रहेगी, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और जो भी हाईलाइट्स रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले
में मिलेगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। रोहित शर्मा विराट कोहली का लगभग 1.5 महीने बाद कमबैक हो रहा है, तो इनको देखने के लिए आज ऑलमोस्ट सभी फैन एक्साइटेड है। वैसे आप कमेंट करके बताएं आप इस मुकाबले के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है रोहित शर्मा की तरफ से। दरअसल रोहित शर्मा ने कल भारत साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको IPL और कप्तानी को लेकर काफी अधिक सवाल पूछे गए थे। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या IPL पर कोई भी जवाब नहीं देंगे, IPL पर केवल 2 महीने IPL के दौरान ही ये जवाब देंगे, अभी करंटली ये केवल इंटरनेशनल क्रिकेट पर जवाब देंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि यहाँ पर IPL का इनसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। दरअसल कप्तानी से हटाए जाने के बाद शायद ये निराश लग रहे, शायद इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा, तो रोहित शर्मा को यहाँ पर शायद हर्ट हुआ, इस वजह से IPL के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहे। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। दरअसल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर सभी लीगों से बैन कर दिया, जहाँ पर मुजीबुर रहमान को, इसके साथ ही नवीन उल हक को, इसके साथ ही फैजल हक फारूकी को यहाँ पर बैन कर दिया। जहाँ पर IPL में मुजीब KKR का भाग है, नवीन यहाँ पर लखनऊ का और फैजल हक फारूकी हैदराबाद का भाग है, तो यहाँ पर शायद इस IPL एडिशन में ये ना खेलते हुए देखिए। हालांकि यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने IPL पर कंफर्मेशन नहीं दिया, IPL तो मोस्टली खेलेंगे, बाकी बिग बैश लीग और बाकी लीग्स का अभी ये खिलाड़ी भाग नहीं बन पाएंगे। जहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके पीछे रीजन बताई कि ये खिलाड़ी पैसों के पीछे लालची, इस वजह से यहाँ पर अपने नेशन के क्रिकेट को छोड़कर ये पैसों के पीछे भागते, लीगों में भागते, इस वजह से इनको परमानेंटली सभी ओवरसीज लीग से बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर शायद IPL तो यहाँ पर BCCI और यहाँ पर अफगानिस्तान बोर्ड की काफ़ी अच्छी बनती है, तो IPL तो ये खेलते हुए देखेंगे, बाकी लीग से यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया है। हालांकि IPL पर अब जल्दी वैसे भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपडेट कर देंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सही फैसला और सही डिसीजन है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।